अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को एक स्केल के मुताबिक बताने जा रहा हूँ कि ये जो स्केल है इसके अंदर हमने एक ऐसी डिवाइस लगाई है जो कि हमारे जो इंजीनियर है फवाद भट्ट, इन्होंने ये डिवाइस तैयार की है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हम वेट इसके ऊपर करेंगे उसमें ये डाटा जो है सेव करता रहेगा। यूएसबी हमने लगा दी है इसमें, हम खाली ये बटन दबाएंगे, जो भी वेट ऊपर रखा होगा ये यूएसबी के अंदर डाटा हमें सेव करता रहेगा, और उस डाटा को हम कंप्यूटर के अंदर हम चाहे एक्सेल की फाइल में सेव कर लें चाहे जिस मर्जी फाइल में हम सेव कर सकते हैं। अगर आप लोग ये डिवाइस हमारे से परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे से परचेज कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूं कि ये डिवाइस किस तरह से ऑपरेट होती है। तो सबसे पहले हम जो है इंडिकेटर को हम ऑन कर देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहता चलूं कि हमारे चैनल में हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन, वेइंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग वेइंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, वेइंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें, और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे यह होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है या नहीं। तो चलें दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इंडिकेटर हमारे पास इस टाइम ऑन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 kg का जो डेड वेट है वो हम प्लेटों के ऊपर रख देते हैं। आप ये देख सकते हैं कि 2 kg जो है यहाँ पे हमें शो कर रहा है। हमने जब डेटा को यूएसबी में सेव करना चाहते हैं, हमने सिंपल ये बटन हमारे पास है, हमने ये बटन को एक दफा हम दबाएंगे, बीप बोलेगी और डाटा यूएसबी के अंदर सेव हो जाएगा। अब अगर हमने यहाँ से डेड वेट को हटा भी देते हैं, अगर कोई दूसरा डेड वेट हम ऊपर रखते हैं, ये 1 kg का हमने डेड वेट ऊपर रखा है, उसके बाद हम दोबारा बटन को प्रेस करेंगे, आप देखेंगे बीप की आवाज आएगी और ये सेव हो जाएगा। ये बीप की आवाज आई और ये डाटा यूएसबी के अंदर सेव हो गया। अगर हमने ये वजन को नहीं भी उठाते हैं, हम दूसरा एक डेड वेट प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। अब 6 kg 100 g, ये 6 kg 100 g ये इसके ऊपर आ रहा है। अब हम इसको दोबारा प्रेस करते हैं बटन को, बीप बोली, ये डाटा भी सेव हो गया। इसी तरीके से अब हमने 10 kg का डेड वेट प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया, 10 kg 150 g हमने ऊपर रख दिया है। हम दोबारा प्रेस करेंगे इस बटन को, ये सेव होता गया, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और डेड वेट प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देते हैं, इसको भी हम बीप बटन प्रेस करेंगे, बीप बोली और ये डाटा सेव हो गया। अब हम इसी यूएसबी को अब हम कंप्यूटर के ऊपर लगाएंगे और हम आपको चेक करवाऊंगा कि डाटा किस तरीके से शो होता है। तो सबसे पहले हमने यूएसबी निकालने से पहले हमने इसको इंडिकेटर को हमने ऑफ कर देना है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं सिंपल ये यूएसबी है। इस यूएसबी को अब हम कंप्यूटर में लगाते हैं, फवाद इधर लगाना है। ये यूएसबी को हमने कंप्यूटर के ऊपर लगा दिया है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यूएसबी हमने ओपन की है, ये मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो चीज है ये डेट आ रही है, इसके बाद जो है ये टाइम और ये मिनट आ रहे हैं। जितनी दफ़ा भी हम स्केल को ऑफ करके ऑन करेंगे यहाँ पे हमें डेट और क्या कहते हैं डेट, उसके बाद घंटे और ये मिनट हमें शो कर देगा। तो ये अब हम ओपन करते हैं, ये आप देख लें, इसको हम एक्सेल की फाइल में भी सेव कर सकते हैं और मुख्तलिफ फाइलों में सेव कर सकते हैं। तो ये आप देख लें, ये हमने सबसे पहले काउंटिंग चल रही है कि 1, 2, 3 कितनी दफ़ा हमने डाटा को सेव किया है, कितनी दफ़ा हमने डाटा को सेव किया है, उसके बाद ये टाइम चल रहा है, उसके बाद ये क्या कहते हैं 17 तारीख है, डेट चल रही है, दफ़ा महीना है 2020 है, उसके बाद पहली दफ़ा हमने किया था 2 kg 50 g था, उसके बाद हमने किया 1 kg, उसके बाद जो हमारा है 6 kg 100 g, उसके बाद जो हमने वेट किया था वो 10 kg, ये आप देख सकते हैं कि 10 kg 150 g था, उसके बाद 12 kg 900 g था। तो इस तरीके से जो भी यानी वेट है वो हमारा यहाँ पर कंप्यूटर में सेव हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अपनी राय का इस बारी वीडियो को लाइक करके दीजिएगा और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये डिवाइस कैसी लगी। ये आप डिवाइस देख सकते हैं, ये डिवाइस जो है वो सारा कुछ जो है ये इसके अंदर है। यहाँ से सिंपल एक केबल निकली हुई है जो कि यहाँ पर हम यूएसबी लगा देते हैं।